हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल और आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ले चला पापा। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगा एक बहुत ही अच्छी सुंदर नर्सरी जिसमें पूरे में फ्लावर्स की बहुत अच्छा कलेक्शन मिलेगा और हर तरफ फ्लावरिंग हो रही है। इस गर्म मौसम में भी विंटर फ्लावर्स आप देख सकते हैं, डहलिया, पिटूनिया, पैंसी, डेंटस, मतलब सारे विंटर फ्लावर्स मैंने यहाँ देखे। और अभी तक मेरे तो सारे डहलिया सूख चुके हैं, गर्मी की वजह से बहुत तेज गर्मी पड़ती है मेरी साइड पर। यहाँ लखनऊ में मैं आया हूँ एक नर्सरी पे, यहाँ पे पिटूनिया और डहलिया एकदम ब्लूम कर रहे हैं अच्छे से। तो आपको इस वीडियो में पूरी नर्सरी दिखाता हूँ, तो एंजॉय करिए इस वीडियो को और बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये नर्सरी लखनऊ। तो ये तो थी फ्लावरिंग वाली साइड, यहाँ सब फ्लावरिंग हो रही थी। अब वेजिटेबल, इतने में वेजिटेबल्स उगती हैं, वेजिटेबल गार्डनिंग होती है। और ये रही वर्टिकल गार्डनिंग। वर्टिकल गार्डनिंग में ये होता है कि आपके पास अगर स्पेस ज़्यादा नहीं है तो आप वर्टिकल तरीके से आप उगा सकते हैं अपने प्लांट्स, अपने फ्लावरिंग प्लांट्स और अपनी वेजिटेबल्स। ऐसे ये तरीका होता है, ऐसे आप अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं और मार्केट में भी मिल जाएंगे इसके सारे इक्विपमेंट्स। और ये सब बोगनविला लगा हुआ है इधर, और इसके पीछे सब ड्रिप इरिगेशन से वेजिटेबल्स ग्रो की जाती हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है यहाँ पे ग्रो करने का। पीछे वो कैबेज लगी हुई है और सारी वेजिटेबल्स से उतने में जाने की परमिशन नहीं है। और इधर सब बोगनविला लगा हुआ है, तो आप ये बोगनविला का भी कलेक्शन देख लें, फिर उसके बाद और कलेक्शन आपको दिखाते हैं। Thank you.
फ्रेंड्स वो था फ्लावरिंग और वर्टिकल गार्डनिंग साइड। अब चलते हैं ग्रीन हाउस के अंदर, और इसके अंदर सारे सेमी शेड वाले प्लांट्स मिलेंगे जिनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो हम लोग आ गए हैं अब नर्सरी के अंदर। ये सब रखा है स्टार फाइकस और एरोकेरिया, बॉटल पाम और बहुत सी वैरायटीज हैं प्लांट्स की सेमी शेड वाली। पर वो साइड में कलेंचो कैसा रखा हुआ है आगे, ये येलो कलेंचो रखा था आगे। चलिए इसको भी आप एंजॉय करिए, इस अंदर के पोर्शन को, और मुझे बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। तो ये थी हमारी नर्सरी विजिट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो नहीं भी पसंद आई है तो डिसलाइक कीजिएगा, मुझे डिसलाइक भी बहुत पसंद है। और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। और मुझे मेरी कमी ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आई और क्या चीज़ पसंद आई। तो ऐसे ही अगर आप लोग साथ देते रहेंगे तो मैं बहुत सारी नर्सरी की विजिट आपको देता रहूँगा और बहुत सी प्लांट्स की इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। Thank you.